यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच किताब को इतने शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से समझाया होगा। बॉब प्रॉक्टर ने लगभग 50 सालों तक इस किताब को अपने साथ रखा और हर दिन वे इस किताब का एक पन्ना पढ़ते थे, क्योंकि इसी किताब को पढ़कर उन्हें पैसे कमाने के सीक्रेट्स के बारे में पता चला था। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इस किताब में 20वीं सदी के कुछ बहुत ही महान लोगों के सफलता के रहस्य दिए गए हैं, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अपने समय के सबसे बड़े स्टील टाइकून एंड्रयू कार्नेजी, फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड और महान आविष्कारक थॉमस एडिसन, जिनके नाम 2000 से भी ज्यादा पेटेंट हैं। और इसी तरह से नेपोलियन हिल ने लगभग 30 सालों तक 500 सबसे सफल और महान लोगों का इंटरव्यू लेकर उनकी सफलता के सभी सीक्रेट्स का पता लगाया है, और उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, भले ही इस किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, लेकिन अगर आप अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़कर आप उन सारे सीक्रेट्स को जान सकते हैं, फिर चाहे आपको ढेर सारा पैसा कमाना हो या फिर आपकी कोई भी इच्छा हो। अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना और उसका इस्तेमाल करने के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी को एकदम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हम सभी के पास दो दिमाग हैं, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। अगर इन दोनों दिमाग की शक्तियों को कंपेयर किया जाए तो सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति के आगे कॉन्शियस माइंड की शक्ति कुछ भी नहीं है। और एक बात पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड की अनंत शक्ति की मदद से आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की सही तरीके से प्रोग्रामिंग करनी होगी कि आप अपने किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि इसे कैसे करना है। लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा नियंत्रित होता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड का मालिक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है, और आपका कॉन्शियस माइंड उस बगीचे के मालिक की तरह है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में विचारों का बीज बोने का काम करता है, और जो विचार आपके दिमाग में आते हैं उन विचारों को मैनिफेस्ट करने का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त काम करता रहता है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये उनके खिलाफ काम करता है। अब आप कहेंगे कि ये उन लोगों के खिलाफ क्यों काम करता है, क्योंकि उन लोगों ने उसी तरह के विचार और भावनाओं को अपने दिमाग में बैठाया है। अगर किसी भी वक्त और किसी भी दिन आपके दिमाग में डर, गरीबी या असफलता जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन नेगेटिव थॉट्स को रियलिटी में बदलने का काम करता है, और इसी तरह से ये उन लोगों के खिलाफ काम करता है। अगर आप अपने दिमाग में खुशी, निडरता, सफलता और अमीरी जैसे पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स लाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर आप सही तरीके से चुनकर थॉट्स और फीलिंग्स को अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल उन्हीं विचारों के हिसाब से काम करता है जो इसे मिलते हैं, और दुर्भाग्य से ये पॉजिटिव थॉट्स नहीं होते हैं, तब आपको अपनी जिंदगी में नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, तो ये पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स के बीच कोई फर्क नहीं समझ पाता है, और जिस तरह के थॉट्स और इमोशंस हमारे दिमाग में आते हैं, ये उन्हीं थॉट्स के हिसाब से काम करता है और उसे हकीकत में बदलता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि महान सफलता को हासिल करने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर कैसे पैदा कर सकते हैं ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे फेवर में काम करे और हमें अनस्टॉपेबल बना दे। ऐसा करने के केवल 5 तरीके हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का पहला तरीका है, हम सभी के पास एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए।
हम सभी को एकदम साफ तौर पर पता होना चाहिए कि हम किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर का मानना है, जितना ज्यादा साफ तौर पर आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता होगा, उतनी ही जल्दी आप उसे हासिल कर सकते हैं। और जब आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, तब आप उस लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर सकते हैं। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके लक्ष्य के बारे में साफ तौर पर पता नहीं होगा, तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति उजागर नहीं होगी, जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। ये एक बड़े जहाज की तरह है, जिसमें शक्ति तो बहुत है, लेकिन उस जहाज के कैप्टन को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी इच्छा के बारे में पता तो होता है कि उन्हें वजन घटाना है या पैसा कमाना है, लेकिन उनके दिमाग में साफ तौर पर ये नहीं पता होता कि कितने दिनों में उन्हें कितना वजन घटाना है या फिर कितने दिनों में उन्हें कितना पैसा कमाना है। दुनिया में मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है, अंत में वही सफल होता है। जब आपका लक्ष्य एकदम स्पष्ट होता है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तब आप अपने एफर्ट्स पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप सही फैसले लेते हैं। दूसरा तरीका है ऑटो सजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करना। ऑटो सजेशन वो स्टेटमेंट यानी वाक्य होते हैं जो आप खुद से कहते हैं, जिन्हें हम एफर्मेशंस भी कहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब एक बार आपको पता लग जाए कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब आपको अपनी इच्छा से संबंधित कुछ एफर्मेशंस लिखने हैं और हर दिन उन एफर्मेशंस को खुद से बार बार बोलना है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि हमें इन एफर्मेशंस को कितने दिनों तक और कितनी बार बोलना है। बॉब प्रॉक्टर का मानना है, आपको अपने एफर्मेशंस को दिन में 2 बार यानी सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले दिन में करीब 100 बार लिखना और बोलना है, और इसे आपको करीब 30 दिनों तक हर दिन प्रैक्टिस करना है। जब आप बार बार अपने एफर्मेशंस को बोलते और लिखते हैं, तब ये एफर्मेशंस एक सजेशन यानी सुझाव की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगते हैं। आप उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं और अपनी इच्छा के प्रति आपका व्यवहार बदलने लगता है। तीसरा तरीका है अपने भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करना। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठते ही रट्टू तोते की तरह अपने एफर्मेशंस को बोलते और लिखते जाना है। आपको अपने हर एक एफर्मेशन को लिखते और बोलते वक्त महसूस करना है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों की नहीं बल्कि आपकी भावनाओं की भाषा को समझता है। अगर आप ये सोचकर अपने एफर्मेशंस को बोलते और लिखते हैं कि मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, मैं अपनी इच्छा को कभी हासिल नहीं कर सकता, शायद मेरी इच्छा मैनिफेस्ट ना हो, तो चाहे आप अपने एफर्मेशंस को 1000 बार और 1 साल तक भी लिखें, गारंटी है कि आपकी इच्छा कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब भी आप अपने एफर्मेशंस को बोलें और लिखें, तब अपने मन में अपनी इच्छा के प्रति पॉजिटिव सोचकर लिखें कि मेरी इच्छा 100% मैनिफेस्ट होगी, ब्रह्मांड चाहता है कि मेरी इच्छा मैनिफेस्ट हो और ऐसा ही होगा, मेरी इच्छा के मैनिफेस्ट होने का काम शुरू हो चुका है और बस कुछ ही दिनों के अंदर मुझे पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से आपको एकदम श्योर होकर अपने एफर्मेशंस को बोलना और लिखना है। अगर आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस लाने में दिक्कत आ रही है, तो आप एक बहुत ही सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम अगले स्टेप में समझते हैं। चौथा तरीका है विजुलाइजेशन। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अपने एफर्मेशंस को लिखने या बोलने से पहले आपको आंखें बंद करके अपने दिमाग को शांत करना है, जिससे आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और आपके मन में बहुत कम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसके बाद आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाकर पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के दौरान आपको कल्पना करना है कि जब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी, तब आप कैसा महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इच्छा है कि 31 दिसंबर से पहले आप हर महीने 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप अपने मन में विजुलाइज कर सकते हैं कि आप हर महीने 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं।
आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना है कि भविष्य में आप 1,00,000 रुपए कमाने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से सोचने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि अभी तक आपने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया है और आपके दिमाग में अपने लक्ष्य के प्रति शंका का भाव पैदा होता है। पांचवा तरीका है परसिस्टेंस एंड रिपीटेशन। नेपोलियन हिल का मानना है एवरलास्टिंग परसिस्टेंस एंड रिपीटेशन मिक्स विथ थॉट्स एंड इमोशंस मिक्स विथ फेथ, यानी अनंत दृढ़ता के साथ अपने एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना, उसके बारे में भावनात्मक रूप से सोचना और अपनी इच्छा के पूरे होने पर विश्वास करना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का असली सीक्रेट है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने कम पैसे हैं, आपकी सिचुएशन किसी भी पल बदल सकती है और आपकी जिंदगी में ढेर सारे पैसे आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप बार बार दृढ़ता के साथ अपने एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं, तब आपके पॉजिटिव थॉट्स और भी ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स को आपके दिमाग में लाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में रिप्रोग्राम होने लगते हैं। तो ये थे वो 5 तरीके जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अब बात करते हैं उस पावर स्ट्रेटेजी के बारे में जो इन सारे स्टेप्स को ऑटोमेटिकली काम पर लगा देता है, और वो स्ट्रेटेजी है बर्न दी बोट्स नाउ। इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझने के लिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। सन 1519 में जब स्पेनिश कॉन्करर हर्नन कॉर्टस अपनी सेना के साथ एस्टेक एम्पायर पहुँचते हैं, तब उनके मन में स्पष्ट इरादा होता है कि वो एस्टेक की सेना को हराकर उस साम्राज्य को अपने नाम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हर्नन वहां पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि एस्टेक एम्पायर की सेना की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके सैनिक एस्टेक की सेना के खिलाफ जाने से हिचकिचा रहे हैं और शायद उनके सैनिक वापस भी आ सकते हैं। इसीलिए हर्नन ने अपने सभी सैनिकों को उनकी नाव को जलाने का हुक्म देते हैं ताकि उनके पास केवल 2 विकल्प रहें, जीतो या मरो, और उनके पास वापस आने का कोई रास्ता ना बचे। अपनी नाव को जलाने के बाद सैनिकों के मन में एक बर्निंग ऑब्सेशन यानी जुनून पैदा हो गया था कि उन्हें अपनी जान बचानी है और उस युद्ध को जीतना है। हर्नन के एक सैनिक के खिलाफ एस्टेक के 100 सैनिक होने के बावजूद भी हर्नन ने शक्तिशाली रणनीति की मदद से एस्टेक साम्राज्य पर जीत हासिल की। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ये स्ट्रेटेजी अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करने का सबसे स्मार्ट तरीका था, क्योंकि जब आपका अस्तित्व दांव पर लग जाता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी तरह से केवल जीतना चाहता है। उसके पास हारने का कोई विकल्प नहीं होता और आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अगर आप इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी की मदद से अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको पीछे हटने के सारे रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। हारने की सारी संभावनाओं को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा देना होगा और आपके पास केवल एक विकल्प होना चाहिए कि हर हाल में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके पास पैसों की कमी है और आपके सामने एक क्लियर डेडलाइन है कि इतने समय तक आपको अपने बिजनेस को हर हाल में चलाना है, नहीं तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में आप इस स्ट्रेटेजी का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप पब्लिकली अपने लक्ष्य को हासिल करने की कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर आप क्लियर डेडलाइंस के साथ क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच सकते हैं कि अगर आपका लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और आपको नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंचना है, तो इसके लिए सबसे कारगर तरीका ये है कि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। मान लीजिए आप हर महीने 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो पहले आप ये सोचना शुरू करें कि आप अपनी कमाई को 50,000 रुपए महीना तक कैसे पहुंचा सकते हैं। 50,000 रुपए महीना कमाने के बाद आप 75,000 रुपए महीना कमाने के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बाद आप बड़ी आसानी से 1,00,000 रुपए हर महीने कमाने के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।